हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दियर फैमिली व्लॉग्स। होप कि आप सब ठीक होंगे। और देखिए, यहाँ पर मैं और मेरा भाई निकल चुके थे बाहर क्योंकि हमें थोड़ा काम था। सो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं चाय बनाकर ला चुकी हूँ, तो मम्मा से पूछते हैं, मम्मा मेरी चाय कैसी दिख रही है। गाइस, मैं इसे हमेशा कहती हूँ, इतना फुल कप नहीं, ये कप इतना, आई वॉन्ट लाइक दिस मच ओनली, बट ये इतना फुल आएगी। और इसका कप आप वो सब छोड़े, चाय कितनी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मामा। खुशबू नहीं आ रही, देखिए। बाय द वे, मैं आप दुर्गंध आ रही, दुर्गंध। रखो कप, रखो कप, रखो। देखो गाइस, कप भी ना रखेंगे, दुर्गंध कते छी यक। सो देखिए गाइस, मामा अपना रिव्यू दे रही है, बोलिए मामा की चाय कैसी बनी है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है। सो देखिए गाइस, यहाँ पर मेरे भाई आ चुके हैं तरावी की नमाज पढ़कर, तो यहाँ पर बज रहे हैं 11। मेरे भाइयों को आज तक 11 बजते गाइस रात के, तो उन लोग यहाँ की मस्जिद के थोड़े लेट तरावी होते हैं ना, तो आप सब ने तरावी आप दोनों ने तरावी की नमाज पढ़ ली है। तो देखिए गाइस, अब इन दोनों ने थोड़ा बहुत खेलना है, उसके बाद ये 12 बजे आएंगे मेरे पास पढ़ने। क्यों? लेकिन आज ये बहुत जल्दी आ गए हैं क्योंकि चलो बस अब यहाँ पर देखिए गाइस, मैं इन लोगों को तेलुगु का पढ़ा रही हूँ, ये पूरी तेलुगु का है। इन लोगों को पढ़ाने के बाद ज़रा मिलती हूँ, ठीक है। इस मैंने यहाँ पर मेरे भाई को पूरा पढ़ा दिया है। तुम लोग ने सब पढ़ लिया है ना? यस दीदी। और तुमने, और वो टेबल से क्यों कह रहे हो भाई? टेबल ख़राब हो जाएगा, वो टूट गया तो मम्मा फिर बात करते। रख दो टेबल साइड में मोहम्मद। अच्छा, आपने पूरा प्रैक्टिस कर लिया है तेलुगु की बिट का? ओह माय गॉड। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बर्तन धोने, क्योंकि ये पूरे बर्तन मुझको वॉश करने हैं, मुझको। अब मैं वॉश करूंगी और आप सबको भी बताऊंगी। देखो ये यहाँ पर मेरा भाई चढ़ के नाच रहा है, यो बंदर, उतरो नीचे। मम्मा को बोल देती हूँ मैं जाके। अम्मी जान, ये देखो आपका बंदर क्या कर रहा है, आपको मारो, जल्दी उतरो। सो देखिए गाइस, मेरा भाई तो जा चुका है, अब मुझको यहाँ पर बर्तन धोना है जल्दी जल्दी। मैं 5 मिनट में धो के हट जाऊंगी, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि 5 मिनट का काम तो नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। और गाइस, आप घर पे फ्री बैठे हो और आपको कुछ काम ना मिले घर वालों से, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो एज़ यूजुअल मेरे साथ भी नहीं हुआ है ये, तो बड़ी बहन ने कहा कि बर्तन जाके वॉश कर दो, क्योंकि इतने दिनों से तो वही कर रही थी। तो उसने कहा आज मैं बर्तन बिल्कुल भी टच नहीं करने वाली हूँ, आज जो भी काम करोगी वो तुम करोगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो करना तो पड़ेगा ही। बल्कि मैं जल्दी जल्दी 2x की स्पीड से वीडियो बढ़ाई गाइस, लेकिन 2x की स्पीड से बर्तन नहीं धो सकी, क्योंकि बोले तो मेरा हाथ दर्द हो रहे थे मालूम, इतने सारे बर्तन थे। बट फिर भी जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत आपसे बातें करते करते मैंने तो पूरे सारे बर्तन वॉश कर दिए थे। ये बर्तन तो मैंने वॉश कर दिया है पूरे। तो अब मम्मा ने बोला कि चाय बनाओ बोलकर, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो चलो जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं, देखते हैं मम्मा को अपनी हाथ की चाय कैसी लगती है। और देखिए गाइस, मामा कुछ काम दे आपको और आपसे कुछ गलती ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत रेयर गर्ल्स होते हैं जिससे गलती ना होती है, और इसमें मैं तो बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। मुझसे भी यहाँ पर गलती हुई है गाइस। क्या गलती हुई है मैं बताती हूँ। पत्ती ज़्यादा हो गई थी चाय में, तो वो बहुत चाय कड़वी हो गई थी, शक्कर कम हो गया गाइस। अक्सर क्या होता मालूम, जब भी मैं चाय बनाऊँ ना, शक्कर ज़्यादा होती पत्ती कम होती, लेकिन इस बार पत्ती ज़्यादा हो गई और शक्कर कम हो गई। तो मम्मा इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड विथ मी। तो मैंने कहा सॉरी मम्मा कि मैं बाद में अच्छी चाय अंकल लेके आऊँगी। मम्मा ने कहा तुम इससे पहले वाली जो चाय में बनाई थी ना वो अच्छी बनी थी, लेकिन इसमें ज़रा बहुत ज़्यादा कड़वी बनी थी। तो मम्मा क्या बोल रहे थे मालूम गाइस, कि तुमने मेरा पूरा मुंह का टेस्ट ख़राब कर दिया। मैं खुद हैरान थी गाइस, क्योंकि चाय बहुत ही सच में कड़वी बनी थी। सो देखिए गाइस, यहाँ पर बर्तन भी पूरे धुल चुके हैं। यहाँ देखिए थोड़ी चाय गिर गई है, इग्नोर इट। चाय लेकर चलते हैं अम्मी जान के पास। आहा, मुझे डर है कि गिर ना जाए। अरे यहाँ पर तो सब सो रहे हैं, वाह। सो देखिए गाइस, बजने आ रहे हैं 4 और अभी तक सैरी के प्रिपरेशन नहीं हुए। बड़ी बहन ने कहा कि चावल चढ़ाओ, तो चलो चलते हैं चावल चढ़ाते हैं। हम लोग ने बहुत लेट कर दी क्योंकि मैं सो रही थी, और मैं भी सो रही थी, और हम लोग की नींद अभी शार हुई है, तो हमने जल्दी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट की है बाकी सब कुछ। और ये देखो आज भी चांद माशाल्लाह कितना प्यारा दिख रहा, नहीं
तो यहाँ पर मेरी एल्डर सिस्टर ने चॉपिंग बोर्ड मंगाया है, वो क्या कट करेगी, क्या हमें बनाकर खिलाएगी मुझे तो नहीं मालूम। चलो चॉपर बोर्ड लेकर उसके पास चलते हैं और पूछते हैं कि वो आज सहरी में हमें क्या खिला रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ही लेट हो चुका है सहरी के लिए। चले चलते हैं। हेलो, तुम्हारा शॉपिंग बोर्ड आ गया। वैसे आज क्या बन रहा है सहरी में? ओए आई थिंक कलिया पाक नहीं है, जो तो कुछ नहीं मालूम। देखो गाइस, फ्रिज में रखो बोल के बोल रहे। चलो रख ही देंगे फ्रिज में, यहाँ साइड में रख दिए है। चढ़ ऐसे लात से नहीं करना, हाथ से करना। लात से करे अम्मा माता कर, तो इसलिए हाथ से कर। सो देखिए गाइस, यहाँ पर हल्दी, नमक, हल्दी, कलिया पाक और एक लाल मिर्च रख दिया है। सॉरी, तो बिल्कुल शेफ की तरह काम कर रही है मेरी बहन। नो दीदी, मेरी प्यारी एल्डर सिस। I'm not your elder sis. Guider? We can say guider also. शांतो जगह। अरे यार। देखो गाइस, एक काम सही से नहीं होता गाइस, कुछ भी गिराए बिना मेरी बड़ी बहन एक काम नहीं कर सकती। क्यों ऐसा? देखो गाइस, तो मैं आज आपको जुगाड़ू रेसिपी बताने वाली हूँ। तो आज हमारे पास है फल्ली, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्यों ली है। तो आज हमारे पास है ये पीनट्स, और मैंने इसे इसलिए लिया है क्योंकि ये एक प्रोटीन का काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और यहाँ पर हल्दी, थोड़ा सा क्या बोलते हैं राय, थोड़ा सा करी पत्ता एंड मिर्ची अपने अकॉर्डिंगली, बढ़ के कम ज्यादा आदि वादी जो भी है सब ले लो, और नमक। दैट्स इट, इतने इंग्रेडिएंट से हमारा आज काम होने वाले है। और आप ना ये रेसिपी सी गाइस, ये ना बहुत सिंपल रेसिपी होने वाली है और हेल्दी भी। तो सबसे पहले हम इसमें तेल क्या है, ऑयल डाल देंगे गाइस। पहले तो एक तो इतनी नींद आ रही है, फिर भी ऑयल को। तो गाइस, मेरी रेसिपी ना बहुत जुगाड़ टाइप है, क्योंकि मैंने ना इसमें सिर्फ पोहा का रिप्लेसमेंट करा है राइस के साथ, दैट्स इट। और ये कैसे बनेगा अभी तुम जो खाकर पता चलेगा। वैसे ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, इसको क्या की बोलते हैं यार, पीला खाना बोल के, लेमन राइस वी कैन से। या अभी लेमन ऐड नहीं कर रहे ना, अभी जरा दूर हो जाओ, मैं करी पत्ता डाल, मेरे को नहीं बनाना, दूर हट जाना, पैर तो नहीं छोड़ आ रही बात। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हाँ, अब आई जब से नहीं आ रही, इसे धीमे आंच पे हम इसे क्या करेंगे, हिलाएंगे। वो गाइस का पूरा छीटो छल जा रहे गलिया पाक के पूरा हाथों, तो इसलिए मैं इधर आ गई, तो आप हिलाओ मैं आ रही हूँ अभी बोल के। वो क्या है ना गाइस, गरम गरम तेल है, छीटो इतने पूरे छल जा रहे, नहीं दिख रहा हूँ यहाँ पर कैमरे में, हाथ देखूँ पूरा नहीं दिख रहा, जाने दो मैं, फिर भी शांत हो गया कली पता। चलो तो आ गई मैं, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ज़्यादा हो गई रहने दो, क्योंकि गाइस ये मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, अगर हम 3-4 खा लिए तो भी काफ़ी है, बट अच्छे से धीमे आंच पे रोस्ट करो भाई। चलो अपने पास सारे का टाइम नहीं है, सच्ची में 4:30 होने आ रहेगा इसे, अभी हो जाता है 2 मिनट, ये फली अच्छे से भून गई बोले तो मेरा काम। इसको भूनने में बहुत टाइम लगता है भाई, मेरे को बेजार की आती है यहाँ पर ठंडा, वरना मैं क्या फायदा, कच्ची फली दे देती थी खाने के। करो तुम, मैं आती हूँ जाके, अल्लाह हाफिज़। 2000 years later. तो गाइस, फली यहाँ पर रोस्ट हो चुका है और हम इसमें नमक डाल देंगे। आप चाहो तो लाइक खाना डालकर भी डाल सकते हो, या फिर नहीं रेड चिली डालो स्पाइस के लिए। हाँ डालो, थोड़ी थोड़ी डाल, मुझे रेड चिली के लिए बात सुनना पड़ेगा किससे भाई, नहीं कोई कट कर दो, अल्लाह जल जाएगा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, बस थोड़ा बस, थोड़ा से ताबड़ में से खाना ले ले करो, बामेश ले करो, मैं ही रात। अब हम क्या करेंगे, खाना ऐड कर, इसमें खाना ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर कल तुमने जो बनाया था वो क्या था, आपने शायद नहीं सही से देखा, वो एग था, एग, ये पीनट्स, पीनट्स,
चलो तुम इसको फाइनल करके ला लो, हम दस्तरखान बिछाते हैं। ठीक है। जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी भी हो चुकी है और अब यहाँ पर मैं फजर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।